नमस्कार, आज का दिन शनिवार है, सैटरडे, और हम अपने पॉजिटिव थिंकिंग पे काम कर रहे हैं। तो आज हम जो काम करेंगे वो है हमारी इच्छा पे। तो गोल भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है तो आप पॉजिटिव हो के भी नेगेटिव हो जाएंगे। सो दैट इज़ व्हेन पीपल स्टार्ट टू बिकम नेगेटिव। तो डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो इच्छा कैसे आती है? जब हम एक्साइटेड होते हैं। तो वही काम करिए जिससे आपको एक्साइटमेंट लगे, और वो काम ना लग के वो आपको पैशन लगे। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो पॉजिटिविटी है वो 100% बढ़ रही है, और आप दूसरों को भी उसको शो कर सकते हैं कि आप अपने कामों को कैसे करें। तो हम शुरुआत करते हैं आज दिन की गाइडेंस के साथ। तो आज की दिन की गाइडेंस है नाइट ऑफ कप्स, विच मीन्स जैसा आप अंदर से फील करेंगे वैसा ही आप बाहर शो करेंगे। अगर अंदर से पॉजिटिव हैं तो आप अपने कामों को भी कर पाएंगे, और इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करके लोगों से असर्टिवली आप अपने बारे में और अपने चीज़ों के बारे में बता पाएंगे। तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर इमोशंस, तो आज पानी पीने पे ज़रूर ध्यान रखें। तो हम शुरुआत करते हैं एरीज के साथ। एरीज के लिए टुडे इज़ अ डे ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आज अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है कि हम कौन सी चीज़ें जो हैं हम नहीं कर रहे हैं, और कहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए। टॉरस के लिए एडवाइस ये है कि आप जब तक अपने पुरानी चीज़ों को अबैंडन नहीं करेंगे, पुराने थॉट्स को अबैंडन नहीं करेंगे, पास्ट को नहीं निकालेंगे, नया नहीं सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पास्ट को हटाएं और न्यू थिंग्स तभी आपकी लाइफ में आ पाएंगी। नेक्स्ट इज़ जेमिनी। जेमिनी के लिए एडवाइस ये है कि जब तक हम दूसरों को ग्रैटिट्यूड नहीं देते, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं, तो जो लोग ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाते वो कभी उसको लाइफ में जो चीज़ें मिलती हैं उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते। तो मे बी टुडे इज़ अ डे आप लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करें। नेक्स्ट इज़ कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस ये है कि कभी कभी टाइम वेट का होता है, तो पहले हील करिए, वेट करिए, और फिर कुछ नया स्टेप लेंगे। तो ये दो चीज़ें पहले करिए, फिर थर्ड स्टेप पे जाइए। नेक्स्ट इज़ लियो। लियो के लिए एडवाइस ये है कि यू आर लाइक अ मैजिशियन। अगर आप अनकंडीशनल लव अंदर से फील कर रहे हैं तो बाहर भी करेंगे, और जब अंदर से आपको लग रहा है मैं अपनी चीज़ों को रीच कर सकता हूँ तो बाहर से भी आप रीच कर पाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड डे। आज आप देखेंगे कि आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी दूसरों को भी शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ वर्गो। वर्गो के लिए एडवाइस ये है कि हमें जो चीज़ ऑनेस्टी से अंदर से फील होती है वही हम अच्छे से कर भी पाते हैं। तो अगर कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसमें आप बिलीव नहीं करते हैं तो मत करिए। ऑनेस्टली जो चीज़ बिलीव करते हैं उसी को करिए, चाहे वो किसी को ख़राब भी लगे, लेकिन करिए। नेक्स्ट इज़ लिब्रा। लिब्रा के लिए एडवाइस ये है कि अगर आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आप तक नहीं कहेंगे, अगर आप कुछ फील करना चाह रहे हैं और कुछ बताएंगे नहीं, तो दूसरे को पता नहीं चलेगा। यू डोंट हैव अ एक्सरे मशीन की किसी को पता चल जाए आप कैसा फील कर रहे हैं। सो बोलिए, अच्छे से बोलिए, और देखिए सामने वाला आपको कैसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है कि जब तक अंदर से प्योरीफाई नहीं करेंगे अपने ऑल थॉट्स को, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। सो जो भी पास्ट है, जो भी रिलीजेज हैं, जो लेट गो होने की चीज़ें हैं, जो फॉरगिव होने की चीज़ें हैं, जो आगे बढ़ने की चीज़ें हैं, उसको प्योरीफाई करिए, तभी फ्रीडम मिलेगी। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए एडवाइस ये है कि पावर आपके हाथ में ही है, सो डोंट फील बैड। अगर फील बैड कर रहे हैं तो सोचिए क्यों फील बैड कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ बोला तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि फील आपको हो रहा है। तो देखिए कहाँ से उसको प्योरिफिकेशन की आज ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए एडवाइस ये है कि यूनियन का टाइम है, गुड टाइम है, लोगों से मिलिए जुलिए, बात कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए एडवाइस ये है कि जब तक एक्शन नहीं लेंगे कहीं नहीं पहुँचेंगे। बोलते रहिए आप कुछ भी, नेगेटिव हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, लेकिन पॉजिटिव एक्शन नहीं लेंगे तो आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो पहले तो एक्शन पे काम करने का आज दिन है कि पहले सॉल्यूशंस निकले और फिर एक्शन। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए एडवाइस ये है कि पहले अपने आप को एक्सेप्ट करिए, तभी आप अपने आसपास लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। व्हाट इज़ वन थिंग जो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है अपने बारे में? और जब आप देखेंगे कि आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो आसपास के लोग भी आपको एक्सेप्ट करके आपको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप सबका दिन आज बहुत अच्छा रहेगा। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।